अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कैडोल स्टूडियो कराची। दोस्तों आप सबको चैनल में खुशामदीद है। चैनल की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको खुशामदीद है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में एक्सटर्नल डिवॉर्मिंग दिखाई थी और बताया था एक्सटर्नल डिवॉर्मिंग क्या है और इंटरनल डिवॉर्मिंग आज इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। डिवॉर्मिंग आपको पता है, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। एक्सटर्नल डिवॉर्मिंग जो है वो दो किस्म की होती है, एक्सटर्नल एक इंटरनल। इंटरनल डिवॉर्मिंग जो होती है वो पेट के जो कीड़े होते हैं, जिगर, मैदे, छोटी आंत, बड़ी आंत, जिगर, इसके कीड़े होते हैं। और एक्सटर्नल डिवॉर्मिंग जो होती है वो खाल के कीड़े, खाल में शाइनी, बाल गिरना और खाल बे रौनक हो जाती है, ख़ारिश है, चिच्चड़, इन चीज़ों के लिए होती है। तो आपने देखा होगा हमारी दो वीडियो जो पिछली आई हैं वो आई हैं एक्सटर्नल डिवॉर्मिंग के ऊपर। तो आज इंशाल्लाह हम लोग इंटरनल डिवॉर्मिंग करने जाएंगे। तो इंटरनल डिवॉर्मिंग जो की जाती है वो अल्लाह भला करे सुबह नहार मुँह की जाती है कि जब इनके दाने का या पानी का टाइम है जानवर का, उस टाइम की जाती है खाली पेट। तो आज माशाल्लाह अल्लाह के करम से हम वो करने जा रहे हैं। और एक बात ये बताने थी इंटरनल डिवॉर्मिंग के लिए, तो आज हम लोग इंटरनल डिवॉर्मिंग करने जा रहे हैं। एक्सटर्नल डिवॉर्मिंग का तो आसान तरीका ये है कि आप आइवरमेक्टिन किसी भी अच्छी कंपनी का लेके आप उसकी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं एक्सटर्नल डिवॉर्मिंग, तो पहली बार डिवॉर्मिंग करने के बाद, पहली बार इंजेक्शन लगाने के बाद एक हफ्ते बाद फिर उसकी एक्सटर्नल करेंगे, आप दोबारा इंजेक्शन लगाएंगे, फिर उसके हर एक महीने बाद आपको एक्सटर्नल डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी। और अब इंटरनल डिवॉर्मिंग की बात करते हैं। इंटरनल डिवॉर्मिंग जो आप करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तीन महीने से कम छोटे बच्चे की नहीं करनी, तीन महीने से छोटे बकरे की, बकरी की नहीं करनी। तो और तीन महीने से ऊपर अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो एक बार करके एक महीने बाद आपने करनी है, फिर उसके बाद कम से कम तीन महीने बाद आपने दोबारा इंटरनल डिवॉर्मिंग करनी है पेट के कीड़ों की। मैं बता रहा हूँ कि अगर बच्चा जैसे तीन महीने से बड़ा है और इंटरनल डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम करेंगे, उसके एक महीने बाद करेंगे, फिर तीन तीन महीने के वक्त से करेंगे। तो आज हमारे पास कुछ मैं बता देता हूँ, ये एक सस्पेंशन है एल्बेंडा के नाम से। फर्स्ट टाइम हम करने जा रहे हैं तो इससे एल्बेंडा से करेंगे, एल्बेंडा प्लस, ये इसकी कंपनी वगैरह देख लें। और पीछे इसकी सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि कितने कितने डोज हमें देनी है, किस उम्र के बकरे को, लाइव वेट के हिसाब से हमें डोज देनी है, तो उस हिसाब से देंगे। और इंशाल्लाह जब हम एक महीने बाद करेंगे, वैसे वो तीन तीन महीने का वक्फा होता है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आज कर रहे हैं, अब एक महीने बाद जब हम ये करेंगे इसकी दोबारा, तो हम एल्बेंडा ही लेंगे मगर किसी और कंपनी का लेंगे। इसका फार्मूला होता है एल्बेंडा प्लस, बहुत से लोग इसको एल्बेंडा जोल प्लस भी कहते हैं, एल्बेंडा प्लस ही सस्पेंशन है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि अभी ये नहार मुँह है, दो आइटम है मेरे पास जो अच्छी डिवॉर्मिंग करने के लिए बकरों को खिलाए जाते हैं, उनके पेट के, आंतों के, ये जो कीड़े हैं सब एक जगह आ जाएं। वो क्यों होते हैं वो भी, क्योंकि असल में इंटरनल डिवॉर्मिंग इसलिए की जाती है कि आप अच्छे से अच्छा दाना, अच्छे से अच्छा वंडा अपने बकरों को, बकरियों को, धुम्बों को, धुम्बियों को, जिसे आप खिला रहे हैं, और अगर वो नहीं बन रहे, वो फरबा नहीं हो रहे, सेहतमंद नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि उनको जो दाना वो खा रहे हैं लग नहीं रहा, पेट के कीड़े उनका वो दाना खा जाते हैं, पेट के, आंतों के, जिगर के। तो आज हम डिवॉर्मिंग जो करने जा रहे हैं इंटरनल, तो उसके लिए मैंने दो आइटम लिए मीठे, और ये लोइजदार आइटम है, च्यूगम जो होती है, बबल बबल नुमा आइटम होते हैं, तो इसमें इंशाल्लाह जो पेट के कीड़े हैं, आंतों वगैरह के, वो लपक के इस पर जैसे आके खाएँगे और इस पर चिपक जाएंगे। एक तो एक गुड़ है, एक गुड़ मैंने तीन जगह ले लिया है क्योंकि तीन बकरे बकरियाँ, ये मैं खिलाऊंगा उसके 10 से 15 मिनट बाद, उससे इसके 10 से 15 मिनट बाद हम इंशाल्लाह इनकी डिवॉर्मिंग करेंगे। अगर कोई गुड़ नहीं खाता है, मेरी बकरी है वो नहीं खाती, तो वो शौक से खजूर खाती है, खजूर में भी अल्लाह पाक ने लोस रखा है, च्युइंगम टाइप की होती है, हाथ में अगर आप दबाएंगे तो चपक चपक सी और अच्छी वो होती है, जैसे इसमें ताकत होती है किसी चीज़ को पकड़े रखने में, हाथ में लोच नुमा होता है इसमें। तो देखेंगे पहले गुड़ खिला के चेक करेंगे, गुड़ अगर तीनों ने खा लिया तो वेलन गुड़, 10 से 15 मिनट बाद इनको ड्रेंच पिला देंगे। ड्रेंच पिलाने के, हाँ एक और बात ये है कि ड्रेंच पिलाने के तकरीबन हमें तीन घंटे, मिनिमम तीन घंटे कोई चीज़ नहीं देनी इनको, भूखा रखना है, जो अगर खुली वगैरह जिसमें दाना है उसको साफ़ कर दें, अगर या आगे पीछे
और कहीं मुँह मार रहे हैं ज़मीन पे ये, तो इनको बांध दें किसी अच्छी सही जगह पे, मुनासिब जगह पे इनको बांध दें। 3 घंटे बाद आप इनको हरा चारा जो आजकल चल रहा है, बरसीम चल रही है आजकल सर्दियों का मौसम है, तो इनको बरसीम दें, इनको खिला दें। जैसे अभी सुबह के टाइम में कर रहे हैं, दोपहर में इनको बरसीम वगैरह पेट भर के खिला देंगे और ये करेंगे। रात में फिर इनको इंशाल्लाह लाइट डोज देंगे, लाइट चारा देंगे, जैसे छिलका और चोकर जो भूसी कहलाती है वो देंगे रात में। फिर सुबह कल इनको वही हम बरसीम देंगे, तो इससे ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि उस्तादों से मशवरा करा हुआ है मैंने कि भाई कैसे कैसे क्या देना है, क्योंकि हम जो इस चौक में नए थे तो इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, देखते हैं अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो आपके साथ शेयर करेंगे। 1 महीने बाद जब हम दोबारा डिवॉर्मिंग करेंगे इंटरनल, तो उसके बाद इनके बताएंगे भी कि उस टाइम इनकी क्या कंडीशन थी, अभी क्या है, और क्या कहते हैं अभी क्या है कंडीशन भी बताएंगे और रिजल्ट भी बताएंगे कि भाई ऐसा जो हमने अप्लाई किया कि गुड़ वगैरह खिला के ड्रेंच पिलाई तो उसका क्या रिजल्ट आया। तो चलते हैं डिवॉर्मिंग की तरफ। एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ ये है जब बकरी या बकरा उसका थोड़ा बहुत पेट लटकना शुरू हो जाए, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाए, तो इसकी वजह यही होती है कि पेट में कीड़े होते हैं, तो वो तकलीफ़ में होता है जानवर, जो खा रहा होता है वो उसको लग नहीं रहा होता, कीड़े खा रहे होते हैं। तो मेरी एक बकरी की ताज़ी कंडीशन है, मैं दिखाता हूँ, आँखों से उसके पानी आ रहा है और पेट उसका थोड़ा सा लटक गया है, तो दिखाते हैं। और इससे ये है कि अंदरूनी मामला अच्छे होंगे तो खाल वगैरह गोश वगैरह फरबा होंगे, जानवर जो खाएंगे वो लगेगा। तो चलते हैं इंशाल्लाह वीडियो में आगे डिवॉर्मिंग की तरफ, देखते रहिए वीडियो। अभी इस टाइम दोस्तों देख सकते हैं कि मेरी एक बकरी है, मैं दिखाता हूँ, इसका ये है प्रॉब्लम कि माशाल्लाह अच्छे से अच्छा वंडा खा रही है, अच्छे से अच्छा दाना खा रही है, बहुत बेहतरीन, तो इस पर लग नहीं रहा। और दूसरा है इसके पेट पे लटका सा हो रहा है, और दूसरा ये कि आंखों से भी पानी आ रहा है। इसको दिखाएं, ये बकरी है मेरी, भाग रही है, ये बकरी है जिसके उल्टे आँख से भी इसके पानी वगैरह थोड़ा सा आ रहा है, पेट लटका हो रहा है, साली के भी थोड़ा लटका सा हो रहा है। तो इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम डिवॉर्मिंग करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अभी इनको सबसे पहले गुड़ खिला के देख लेते हैं हम लोग, अगर ये खाते हैं तो ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह इनको वो देनी है अपना खजूर, अगर खा लें तो बहुत अच्छी बात है। ये वाली नहीं खा रही, आ गया, हमारे सिकंदर साथ में खा लिया गुड़, ये इस बकरी ने भी खा लिया, इसके मैं पेट का बता रहा हूँ, इस पर फोकस करना पेट पर, ये इसका पेट जो है देख सकते हैं, बड़ा बड़ा सा भारी भारी सा लटका सा पेट हो रहा है, बेजान सी खाल हो रही है इसकी। तो ये आँख की तरफ दिखाना, ये लो, ये उल्टी वाली आँख पे फोकस करना, उल्टी वाली आँख पे फोकस करो, तो इसके ये पी पी पानी पानी से भी आ रहा है, तो ये अभी हमने गुड़ खिला दिया, इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट बाद भैंस खिलाएंगे। ये बकरी जो है हमारी ये खाती नहीं है गुड़, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, तो अभी इसको कोशिश करेंगे कि वो दें हम, अल्लाह वाला करे खजूर, अल्लाह करे कि खजूर खा ले, तो उसके बाद फिर इनकी डिवॉर्मिंग स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों जैसा देखा उस छोटी बकरी ने तो खाया नहीं गुड़, तो 3 तरीकेकार होते हैं, एक तो गुड़ खिला दें बआसानी दरमियाने साइज़ के लड्डू, एक जो बकरा या बकरी है आपकी, वरना दूसरा ये होता है कि नीम गर्म पानी में थोड़ा सा गुड़ जो है उसको पका लिया जाए, बस थोड़ा जो दे दिया जाए कि डिजॉल्व हो जाए, वो पानी आप पिला दें, कि इस वक्त पेट के जो भूख में कीड़े जिगर के आंतों के पेट के छोटी आंतों के बड़ी आंतों के कीड़े होते हैं वो एकदम आके अटैक करते हैं, तो वो उसी टाइम वहीं मैदे में या पेट में मौजूद रहें, हम ड्रेंच पिलाएँ और वो मर जाए। तो अभी मैं खजूर दे के देख रहा हूँ, देखता हूँ अल्लाह करे कि खा ले, वरना ज़बरदस्ती इसको फिर पानी वगैरह कुछ पिलाएंगे।
अच्छा तीसरा तरीकेकार ये था, तीसरा ये जो मैं दे रहा हूँ खजूर का, ये मैं अपनी तजुर्बे से दे रहा हूँ कि इसमें भी लोच है, देखता हूँ कि खा ले तो अच्छी बात है, एक ही खिलाऊं। चलो चलो ये पकड़ने ही खाते, चलो तुम भी एक खा लो। चलो शुक्र अल्लाह का, अलहमदुल्ला खा चुकी है, वरना मुझे डर था ये नहीं खा जाता तो इसको गुड़ का पानी पिलाना पड़ता। चलो तो दोस्तों दो नोयतें होती हैं, एक तो मैंने आपको बताया पेट लटक जाना होता है, और दूसरी ये होती है कि माशाल्लाह जानवर की खुराक बहुत बढ़ जाती है और जानवर परवाह नहीं हो रहा होता, एक ये वजह होती है। एक वजह और ये होती है कि क्या कहते हैं, जानवर की खुराक बहुत कम हो जाती है, वही कीड़ों की बेट की वजह से, या तकलीफ में होता है तो आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, खाल वगैरह बेजान हो जाती है। तो आज इंशाल्लाह डिवॉर्मिंग कर रहे हैं एक्सटर्नल, बस आपको दिखाते हैं दूर से, बस आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने बिल्कुल भूख में पागल हुए हैं, मैंने खुरली भी साफ कर दी है, सब मैंने यहाँ नीचे फेंक दिया, दाना जो बचा कुछ था बिल्कुल भी खुरली में नहीं रखना, नीचे दिखा सकते हैं दाना जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो मैंने फेंक दिया है, खुरली मेरी अंदर से भी बिल्कुल साफ है, बाकी मैंने नमक वगैरह सब चीज़ें हटा के रख दी हैं, बस इनको आप ड्रेंच पिलाएंगे, फिर उसके बाद 3 घंटे बाद मिनिमम 3 घंटे बाद इनको सब चारा देंगे। आपने दाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना खुरली में, जब आप इनके पेट की इंटरनल डिवॉर्मिंग कर रहे हो बिल्कुल भी दाना नहीं छोड़ना इसमें कि ये खाएं, तो अच्छी डिवॉर्मिंग और अच्छा नतीजा जब ही आएगा, अच्छा रिजल्ट जब इनके खाली पेट होंगे और आप इस तरीके के जो मैंने बताया इस तरीके से इंशाल्लाह डिवॉर्मिंग करेंगे बेहतरीन रिजल्ट आएगा। अभी जो मैंने आपको सस्पेंशन दिखाई है पहले आपने उससे करनी है एलबेंडा से, फिर आप किसी और कंपनी के चेंज कर सकते हैं, 1 महीने बाद फिर करनी है, फिर जब 3 महीने बाद करेंगे तो आप इसी से कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको प्रोडक्ट दिखाई है एलबेंडा प्लस से, और ये अच्छा है, मोशन वगैरह नहीं होते। तो चलते हैं इंशाल्लाह इनको बस फाइनल करते हैं, इनको वो करते हैं इनकी इंटरनल डिवॉर्मिंग ब्रेंच पिलाते हैं। तो ये जो मैंने आपको सस्पेंशन बताया पीछे इसकी डोजेज लिखी हुई है, जो लाइव वेट हो लाइव वेट के हिसाब से लिखी हुई होती है कि जो जो इसके ऊपर लाइव वेट होगा, मवेशी है, घोड़े हैं, ऊँट है, बकरी भेड़ जो भी है उसके हिसाब से, लाइव जानवर के वजन के हिसाब से इसकी डोजेज लिखी हुई होती है। तो हम इंशाल्लाह जितना हमारे जिस वजन के जानवर हैं उनको उस डोजेज के हिसाब से हम इनको दे देंगे सस्पेंशन। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ड्रेंच खोल दिया है, ऐसे सील इस पर लगी हुई होगी, सील लगा हुआ देख के लियागा कि ख़राब ना हो सस्पेंशन, तो इसके हिसाब से देख लियागा। मेरे पास अभी एक तो मैं बाउल लेके आता हूँ, बाउल से या गिलास से इसको भरता हूँ, इसका मुंह छोटा है, मेरे पास सिरिंज बड़ा है। जो मौजूदा डोजेज है उससे ज़्यादा लेंगे, जैसे मेरा जो बकरा है उसके हिसाब से बनती है 15 ml बनती है, तो मैं 18 या 20 ml ले लूँगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है डिवॉर्मिंग, तो इंशाल्लाह अच्छी डिवॉर्मिंग हो जाए। ये 30 ml का मेरे पास सिरिंज था, 30 cc का, तो मैंने 20 इसमें ले लिया, तकरीबन 20 ml 20 cc ले लिया, जा रहे हैं अपने बकरे की तरफ, उसकी करते हैं डिवॉर्मिंग, बाकी में बाद में हम बकरियों की करते हैं। चला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह शाफी अल्लाह का, अल्लाह शाफी अल्लाह का, अल्लाह शाफी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बकरे को पिला दिया ड्रेंच, सही है भाई, ये 2 बकरियां रह गई हैं इनको भी जल्दी से पिलाते हैं ड्रेंच। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत आसान लग रही होगी, आसान तरीके कार बता रहा हूँ कि आपको भी आसानी हो करने में, आपको आसान चीज़ें बता दी है, शुरू में क्या खिलाना है, 2 ही चीज़ें वो आपने शुरू में खिलानी है,
और ये भी बता दिया कि कितनी देर बाद आपने डिवॉर्मिंग करनी है, और डिवॉर्मिंग के कितनी देर बाद आपने खाना देना है, वो किस किस टाइम से कितने कितने दिनों के गैप से आपने कितने महीने के गैप से डिवॉर्मिंग करनी है, वो आपको बिल्कुल आसान तरीकेकार बता दिया। इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अपने दो चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं दूसरी बकरी की। दूसरी बकरी की भी अल्हम्दुलिल्लाह हुई, आखिरी ये तीसरी बची है, तीसरी को भी करते हैं। इन बकरियों की डोजेज लिखी हुई थी 12-12 mm, तो मैंने इनके लिए 15 ले लिए इनके लाइव वेट के हिसाब से। बाकी वो बकरे की लिखी हुई थी 15, तो मैंने उसको 20 दिए फर्स्ट टाइम है, तो दो दो तीन तीन चार चार एम एल बढ़ा के दिए कि अच्छी रिवॉर्मिंग हो जाए। चलो तो अल्हम्दुलिल्लाह डिवॉर्मिंग कंप्लीट हो गई है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स में भी बताना है वीडियो कैसी लगी, और नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और तमाम मेरी सब्सक्राइबर फैमिली जो है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।